नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र सागर न्यूज, आपका स्वागत है। प्रथम महापौर राजीव पाटिल ने नाद ब्रह्म नेचुरोथेरेपी में करवाया अपना एक्यूप्रेशर थेरेपी। इलाज पूर्व महापौर रुपेश जाधव ने जताया आभार। 2 अक्टूबर वसई विरार की राजनीति के दो बड़े दिग्गज वसई विधायक हितेंद्र ठाकुर अप्पा एवं वसई विरार मनपा प्रथम महापौर राजीव पाटिल नाना के जन्मदिन 1 अक्टूबर नाना और 3 अक्टूबर अप्पा के जन्मदिन के उपलक्ष में वसई ईस्ट में हेमंत माटवनकर द्वारा संचालित नादब्रह्म नेचुरोथेरेपी सेंटर पर वसई विरार पूर्व महापौर रुपेश जाधव एवं आचोली विभाग के नगर सेवक नगर सेविकाओं द्वारा 1 से 3 अक्टूबर को सेंटर पर इलाज करवाने आने वाले लोगों को मुफ्त थेरेपी किए जाने का कैंप आयोजित किया गया था। इस कैंप का निरीक्षण करने खुद प्रथम महापौर राजीव नाना शनिवार को सेंटर पहुंचे थे। पहुंचने के बाद नाना ने हेमंत माटवंकर के हाथों खुद अपनी एक्यूप्रेशर थेरेपी करवाई। नाना की थेरेपी करने के बाद हेमंत माटवंकर ने खुद को खुदकिस्मत बताया। इस अवसर पर स्थानिक संवाददाता से बात करते हुए पूर्व महापौर रुपेश जाधव ने इस कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि 1 अक्टूबर से 3 अक्टूबर तक 3 दिनों के दरमियान 150 से अधिक मरीजों ने इस कैंप में भाग लिया। रुपेश जाधव ने नाना के इस कार्यक्रम में शामिल होने पर नाना का विशेष आभार व्यक्त किया। साथ ही रुपेश जाधव ने पूर्व नगर सेवक हार्दिक राउत, पूर्व नगर सेवक वैभव पाटिल, पूर्व नगर सेविका रेशमा जाधव, इन सभी जनप्रतिनिधियों के साथ आचोले विभाग के हर बड़े छोटे बहुजन विकास आघाड़ी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। लोगों से इस कार्यक्रम में शामिल होने का आह्वान किया। स्वतंत्र सागर न्यूज के लिए पालघर संवाददाता वसई से यूसुफ अली की रिपोर्ट। सर, आज आपका जो ये थेरेपी सेंटर है, इसके ऊपर खुद प्रथम महापौर यहाँ पे विजिट किए, क्या अनुभव है, क्या कहेंगे? जय हिंद। सबसे पहली बात, हमारे वसेवीरा के प्रथम महापौर माजी ये राजीव नाना जी हमारे पास आए, ये मेरे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। और उनको लाने के लिए सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा रुपेश जी जादव का, जो अपने यहाँ के माजी महापौर है, और उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि लोगों की सेवा कर सकूं। तो ये 3 दिन का कैंप का आयोजन था, 1 तारीख 2 तारीख और 3 तारीख, अभी भी कल का दिन बाकी है। तो जिनको भी आना है उनका स्वागत है। नेचुरोपैथी क्यों करना है, कोई दवाई नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं, और किधर भी आपको अस्पताल में जाने की जरूरत नहीं, इसके लिए नेचुरोपैथी करनी चाहिए। 1 तारीख को राजीव नाना जी का बर्थडे, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथ ही में 3 तारीख को हमारे आपके सबके चहेते लोक नेता श्री हितेंद्र जी ठाकुर, इनका जन्मदिन है, उनको भी जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं।